Hello and welcome to DP 360 degree once again. In part 2 of factorization of polynomial, some interesting questions are eagerly waiting for us. So straight away, let's take them head on. But before we proceed to solve the questions, some of the important tips I would like to share with you are: we should have a thorough knowledge about the, you know, square roots. For example, how can we express 12 in terms of, you know, some square roots, like it can be 4 root 3 into root 3. Yes, because, you know, 4 into this root 3 into root 3 is 3 equal to 12. Yes, isn't it? Now here, take another example. Say you want to express 6 here. You want to express 6 here. How you are going to do? 3 root 2 into root 2 means 3 into this root 2, root 2 is nothing but 6. You should be able to break 6 into these things. That is, 6 can be broken as 3 root 2 plus, you know, again 3 root 2. Like, like 5 can be easily broken down into 4, you know, गड़बड़ हो गया, इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, स्ट्रेट वे घुस ही जाना है, स्ट्रेट वे ही घुस जाना है, ऑटो करके निकल जाना है। हेलो एंड वेलकम टू डीपी 360 डिग्री, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार पार्ट 2 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ बहुत ही आकर्षक सवाल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी उतना ही बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हेड ऑन उनका सामना करें। सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। यस, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? बहुत आसान है ना। 24, 8 थ्री जै 24, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन हम देख रहे हैं, तो 8 थ्री जै 24 इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैन बी रिटन एज ना 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और हमें पता है 8 थ्री जै 24 होता है, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस 3 माइनस 24 एकदम सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5x के जगह पे 8x माइनस 3x लिखेंगे एंड लेट इट बी माइनस 24 इक्वल टू, इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8 बच गया। यहाँ इन दोनों में माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लिया आपने, 3 भी कॉमन है तो हम 3 ले सकते हैं। x प्लस 8 और x माइनस 3, x प्लस 8। पहला सवाल करने में जो सुकून मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किताब ख़रीदते हैं, नई किताब, उस टाइम पे मैं तो क्या करता हूँ, हमेशा से ये मेरी आदत है, किताब को ओपन करके सुकून के साथ उसकी खुशबू का लुत्फ़ उठाता हूँ। आइए दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 root 3 x plus 12। अच्छा, ये जो टाइप 2 के सवाल हैं ये लगेंगे बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन है उतने ही ज़्यादा आसान। आप विश्वास नहीं करेंगे हमको, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आप कहेंगे अरे इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 root 3 एक्स प्लस 12। अब हम इसको कैसे ब्रेकअप करें, अब इसको कैसे ब्रेकअप करें, इसको ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यू नो ये प्लस है, 4 रूट 3 एक्स प्लस 1, यू नो, और रूट 3 एक्स प्लस 12। अगर हम करते हैं, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3x। इस टर्म को हम यहाँ ले आएँ
और इसको थोड़ा आगे यहाँ सजा लेंगे, प्लस 4√3x + 12। अब देखते हैं क्या होता है इन दोनों में, क्या क्या कॉमन है। एब्सोल्युटली हम ट्राई कर सकते हैं ये। इट कैन बी रिटर्न एज x कॉमन ले लिया हमने, x + √3 बियॉन्ड एनी डाउट। यस नाउ प्लस तो 4 यहाँ पर कॉमन है, 4 यहाँ पर कॉमन है, एक √3 भी हम कॉमन ले सकते हैं कि 4 × √3 × √3 = 12। सो 4 हम बाहर कॉमन ले लिए, 4√3 पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, x + √3। इंटरेस्टिंग इजंट इट, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सॉल्व कर, आपको बताता हूँ मैं, 12 कैन बी रिटर्न एज यू नो 4 × 3 आपको पता है, लेकिन दिस 3 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4 × √3 × √3 = 12, क्योंकि √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज √3 × √3। इसी फॉर्मूलों का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, 4√3 × √3 = 12, 4 × √3 × √3 = 12, क्योंकि ये तो 3 है, 3 × 4 = 12। नाउ अब x + 3 कॉमन दिख ही रहा है, x + 4√3 × x + √3 है ना, इंटरेस्टिंग मज़ेदार, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बिलीव मी। हाँ पहले लेवल पे थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा, बाय अपीयरेंस ये बड़े डिसेप्टिव हैं, फील होगा हमें साइक कर देंगे, ओ नो इससे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए नहीं। आज ही मुझे एक कमेंट बॉक्स में मिला कि डीपी दिस इज़ द हार्डेस्ट टॉपिक चैप्टर, और मुझे बहुत हंसी आ गई। ये बस सोच की बात है, आइए थोड़ा स्पेस बनाते हैं। बट ठीक है, इनिशियली यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज एट द राइट टाइम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये दो हम देखते देखते निपटा दिए। यस थर्ड x2, ये आसान है रिलेटिवली, +19x - 150 हमें ये 150 जो है यू नो कितना कितना हो सकता है, 53 = 150। अच्छा यहाँ पर एक मिडिल टर्म का जो यहाँ पे दो नंबर को हम इंटू करेंगे उनका सम भी 19 आना चाहिए, उनको जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे दो नंबर का उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी -150 एंड उनका सम होगा 19। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको 19 को? यस बहुत आसान है, यू नो 25 = 150, लेकिन 25 मैं स्टेट वे करता हूँ, 25 = 150, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तभी जाकर यहाँ माइनस आएगा। और एक बार इन दोनों को माइनस भी कर लें क्या आता है, प्लस कर लें मतलब इन दोनों नंबरों को, 19 आ रहा है, ओह नो हम तो लगभग पहुँच ही गए। यस मंजिल करीब है, तो अब तो बहुत आसान है, प्लस हम इसको 25x पहले छोटा नंबर को लिख लें हम, -6x + 25, एक ही बात है, 25x - 150 - 150। अब हम यहाँ से x - 6 कॉमन ले सकते हैं डेफिनेटली, अच्छा प्लस हम 25 कॉमन ले ही सकते हैं, यहाँ पर x बचेगा -6। यस x + 25 x - 6 is the answer. So without any first we have already cracked 3 questions. Color बदलता हूँ, ये मेरी आदत है, blue color। आइए थोड़ा सा ये type थोड़ा अलग लग रहा है, देखते हैं इसे भी solve करते हैं। Fourth x square +6√6x + 48, you know 6√6 = 48, 4 × 8 = 48, यहीं पे मैं देखता हूँ 4 × 8 = 48, दैट मीन्स व्हाट 4 × 8 = 6 = 48,
आप देखो इसको मज़ेदार वाली बात, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 4 into 2, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ वरना सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, इक्वल टू 4√6, रीअरेंज कर लिए, 2√6 इक्वल टू 40। और इन दोनों का सम भी देखो, 4√6 + 2√6 इक्वल टू या ना 6√6 आ गया। तो एक्स या ना एक्स स्क्वायर प्लस 6√6 को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ 4√6 + 2√6, यानी कि 2√6 + 4√6, ये दोनों का सम यही आएगा, प्लस 48 रहने दे। अब देखते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में कुछ एक छोटा है, यस देखा, एक्स छोटा है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक एक्स छोटा है। तो एक्स कॉमन लिया हमने, एक्स प्लस 2√6 इन टा दिया हमने, प्लस 4 पूरा कॉमन ले, यस ले सकते हैं 4√6, क्योंकि एक √6 अंदर होगा, एक √6 अंदर होगा, और यहाँ पर अगर हम 4 पहले बाहर कॉमन ले लिए 4√6, तो यहाँ पर हम अगर 4√6 बाहर ले लिए, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2√6, क्योंकि हमने यहीं पे देखा है ये रहा, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है 48, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है 48, 4 2 8 और ये दोनों 6 होगा, तो 48 एब्सोल्युटली क्लियर। और ये देखो कॉमन है, एक्स प्लस 4√6 एक्स प्लस 2√6, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, कि कुछ लोग कहते हैं इसको पहले बाहर ले लो एंड देन इट डजंट मैटर, इनटू में 1 into 2 या 2 into 1 मीन्स द सेम थिंग। यस क्वेश्चन 4 इज ओवर, आई नीड स्पेस हियर, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5, √5x² प्लस 2x माइनस 3 √5, ये हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर का कोई भी कोफिशियंट होगा उसको हमेशा जो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखना, और उनका सम भी जो होगा वो बीच वाला 2 आना चाहिए। करके बताते हैं आपको, पहले हम √5 × 3√5 कर लें, माइनस में आना चाहिए, तो -5 × 3 = 15 आएगा, क्योंकि √5 मीन्स 5 इक्वल टू -15, पता है ना ये चीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, √2 × √2 = 2, √3 × √3 = 3, √5 × √5 = 5, तो 5 × 3 = 15, लेकिन 15 आना चाहिए, और यहाँ पे सम उनका आना चाहिए 2, तो हम किस केस में आएगा, अगर हम देख लें कि ये 5x - 3x करते हैं तो ये आना चाहिए 2x आ जा रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड, और 5 × 3 अगर देख लें, 5 × -3 मीन्स -15, ये -15 आ रहा है यहाँ पे, हो गया हमारा काम आसान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5x² और उसके बाद हम लिख सकते हैं 5x हम लिख सकते हैं, और इसको हम अगर 5x ले लें प्लस 5x - 3x - 3 √5, अच्छा तो हम अगर यहाँ पर √5x कॉमन लें, तो x प्लस यू नो √5 हो गया, यस क्योंकि 5 कैन बी एक्सप्रेस एज √5 × √5, अच्छा फिर यहाँ दोनों में माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस बाहर ले लिए हम, 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस √5 बच गया, क्योंकि 3 बाहर कॉमन है, यहाँ x बचा, दैट्स इट, तो वी आर देयर, ये दोनों कॉमन है, तो x प्लस √5 √5 x - 3, ये फैक्टर है इस सवाल का। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 21x² - 2x + 1/21। इस टाइप के अगर फ्रैक्शंस हो तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर, ध्यान देना इसको जस्ट ऐसे मान सकते हो आप, पर ये करना नहीं, तो उस केस में ये 21 हो गया,
एंड देन 21 21 जब 441 स्क्वायर मुझे अच्छी तरह से पता है, और ये 121 इंटू 2 42x, 21 1 जा, तो ये 1 ही रहा, ये आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने किया था। एंड देन आप अगले स्टेप में 1/21 इसको पूरे को बाहर ले लो और लेट 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1 अंदर लिया आपने। उसके बाद 1/21 आपको ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा। देन जैसे मैंने सिखाया कि ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर कोफिशियन पे कुछ भी नंबर हो तो इनटू होना होगा, सो 441 इंटू 1 जा 441, पर इनका सम भी होना चाहिए, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट होगा 441 और उन दोनों नंबरों का सम होना चाहिए माइनस 42। तो हमें पता है कि 441 का स्क्वायर 21 है, और अगर मैं तो ये 441 होता है, लेकिन अगर मैं माइनस 21 इंटू माइनस 21 करता हूँ तो भी 441 है, और इन दोनों को एडअप करता हूँ तो ये मेरा माइनस 42 आता है, इज़न्ट इट? माइनस 21 प्लस माइनस 21 गिव्स मी माइनस 42, तो माइनस नंबर ऐड करने से साइन माइनस ही रहेगा लेकिन ऐड होगा, माइनस 42 आ गया। तो हम अब एक काम करते हैं, इसको लेट इट बी 441 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 20, माइनस 42 को आई एम जस्ट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ दिस टू फैक्टर्स प्लस 1 लेट इट बी। अगले स्टेप में 1/21, अब यहाँ पर मैं सीधा 21 कॉमन ले सकता हूँ, 21 एक्स पूरा का ही कॉमन लूँगा मैं, 21 एक्स तो पता है 21 21 और एक एक्स रह जाएगा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से पूरा मैंने बाहर लिया था, माइनस यहाँ से माइनस, इफ़ आई टेक माइनस 1 एज कॉमन तो यहाँ मेरा बच जाएगा 21 एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 1। 1/21 ये 21x माइनस 1 इंटू 21x माइनस 1, दैट्स इट, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई नीड टू रिपीट 7, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। 6 2x माइनस 3/x स्क्वायर प्लस 7 2x माइनस 3/x माइनस 20। नाउ हियर इस तरह के केस में देखो ये कॉमन है, यहाँ यहाँ इनको पूरे को रिप्लेस कर देना, टेक एनी अदर वेरिएबल, लेट एज्यूम कर लो लेट a इक्वल टू 2x माइनस 3/x। उस केस में अब क्या होगा, अब बहुत आसान हो गया, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस 7a माइनस 20। अब ध्यान देना वही बात है, 6 एंड 20 का प्रोडक्ट कितना हो रहा है माइनस 120, लेकिन उनका सम आना चाहिए 7, कोई दो नंबर जिनका सम आएगा 7 एंड प्रोडक्ट होगा माइनस 120, तो ये हो सकता है, हमें पता है 15 8 120, 15 इंटू अगर मैं माइनस 8 करूँ माइनस 120, और मैं अगर देखता हूँ 15 माइनस 8, एब्सोल्युटली 15 प्लस माइनस 8 7 एकदम सेटिस्फाई, तो हमारे दो जो नंबर्स हैं 15 एंड माइनस 8, अब तो बहुत आसान है, इट विल बी यू नो दिस इज इक्वल टू हाउ मच यू टेल मी नाउ, 6a² वैसे ही रहा, प्लस हम लिखेंगे इसको प्लस 15a माइनस 8a, इंस्टेड ऑफ 7 आई एम राइटिंग दिस माइनस 20। अब मैं रीअरेंज करूँगा, इसको यहाँ लाऊँगा, इसको यहाँ 6a² माइनस 8a प्लस 15a माइनस 20, अब तो कॉमन लो इन दोनों में से, इसमें से यू नो हम कॉमन ले सकते हैं 2a और कुछ ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, नहीं और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, इट विल बी 3a माइनस 4, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँ तो 3
ए माइनस फोर, वाह आ गया, टू ए प्लस फाइव टू थ्री ए माइनस फोर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेवन. नाउ लेट्स स्ट्रेट वे विदाउट वेस्टिंग टाइम सॉल्व क्वेश्चन नंबर एट. And now question 8. This is again another variety. इस तरह के questions competitive exams में खूब आते हैं. And जिनको formula नहीं आता है, they started 999. इसको क्या करेंगे पता है? 999 into 999 into करने बैठेंगे, बुढ़ा जाएंगे. फिर minus ones करेंगे and then they will get the answer and precious time exam से निकल जाएगा. कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. एक्चुअली अगर देखा जाए तो 999 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 कैन बी डेफिनेटली रिटर्न एज 1 स्क्वायर बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम होती है. अब तो बन गया, अब रहा क्या, ये स्ट्रेट वे 999 प्लस 1, 999 माइनस 1 कम्स टू 1000 इंटू 998 इक्वल टू 99830, 999,000 इज द आंसर. पर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये फॉर्मूला हमने लगाया इस केस में. ये इस तरह के फॉर्मूलाज हमने सेशन वन जो पार्ट वन था उसमें हमने लगाया था. पार्ट वन भी बहुत यू नो सॉलिड सेशन था इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और आपने भी थॉरली इसको एंजॉय किया. अगर आप नए हो इस सेशन में तो आप बिल्कुल सेशन वन देखना ना भूलिएगा, उससे आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, बिलीव मी. विद दिस द सेशन कम्स टू एन एंड. जैसा कहा जाता है, एवरी गुड थिंग्स ऑलवेज कम्स टू एन एंड. विद दिस डीपी साइनिंग ऑफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर.